पे बड़ा सांभर। तो बड़ा सांभर के लिए मैंने दाल गला दी थी कल और इसको पीस ली है। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने दाल को पीसा है, इसमें हरी मिर्ची डाली है और लहसुन डाला है। अब मैं इसको बनाऊंगी। और सांभर के लिए मैंने दाल भिगो के रखी है थोड़ी देर के लिए। देखिए फ्रेंड, लौकी काट, ये लौकी कट रही है। इतनी सी लौकी 20 रुपए की है। और ये देखिए नारियल चटनी के लिए, ये बड़ी महंगी मिल रही हैं, पर बनाना खाना है तो उसमें क्या महंगा सस्ता देखना। और आज सुबह गर्मा गर्म बनेंगे सांभर बड़े, तो आ जाइए, आप लोगों का भी निमंत्रण है। धूप में सुबह से बैठी, आज मेरा जल्दी नहाना धोना होगा, अभी 10 बज रहे हैं। आज मैंने पहली बार जल्दी नहाया। संडे के दिन तो ऐसा रहता है कि मतलब नहा भी लो लेट भी हो जाते हैं। इसमें ये जूट रहते हैं ना, ये ज़्यादा परेशान करते। वो जो मद्रासी नारियल रहता है वो छिला हुआ रहता है, उसमें सही रहता है। देख लीजिए फ्रेंड, ये इसमें धीरे धीरे आंच में सिक रहे हैं बड़े, और बढ़िया क्रिस्पी बड़े बन रहे हैं। देख लीजिए आप, और यहाँ पर बन चुका है मेरा सांभर, आप देख सकते हैं। इसमें मुझे धनिया गार्निश करना है। मैं ट्रिक लगाती, देखिए बेलन से छेद कर देती हूँ, एक नंबर छेद होता है, पता बढ़िया रहता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, इजिली हम अंदर डालते हैं इसको, जब तक वो ऐसा हो जाता गीला गीला। तो सबसे अच्छी ट्रिक है कि बेलन लो, अंदर डालो इसके। अभी दिखाऊंगी मैं आपको, देखना। बन के तैयार हैं। इनको मैंने थोड़ा सा क्रिस्पी सेका है, इसलिए कि ये अंदर से थोड़े कच्चे रह जाते हैं और बिल्कुल खस्ता है। अभी इतना बैटर और बचा है और ये बन रहा है। और बेलन से मैंने इनमें ऐसा छेद कर दिया है, तो दिक्कत नहीं हुई ये ऐसे करके। अभी आपको दिक्कत होती है ये बनाने में बड़े, तो आप ऐसे छेद करके बना सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा छेद हुआ है, एक नंबर छेद हुआ है। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऑन कैमरा बिल्कुल अच्छे से बताती। क्योंकि अब मैं यदि डालूंगी तो फिर मेरा कैमरा कौन पकड़ेगा, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए फ्रेंड, हम लोग गए थे साड़ी लेने, तो ये देखिए ये साड़ी लेकर आए हम। रानी कलर मेरे पास अभी बेटी की पहनी थी मैंने, बट मुझे अच्छी लग रही थी तो ये मैंने ले ली साड़ी। क्योंकि इनॉग्रेशन यदि होता है हमारे यहाँ पर, मतलब इस टाइम बेटी का मन हुआ कि चलो मम्मी को साड़ी दिला के लाऊं। वैसे वो दिलाती रहती है मुझे साड़ी, काफ़ी साड़ी दिला चुकी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है दिला रही है तो ले आते हैं। तो मुझे रानी कलर पसंद आ रहा था। वैसे हमारे घर के नज़दीक से लाई हूँ मैं ये, और हमारे यहाँ न्यू मार्केट है, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मिलती हैं साड़ियाँ। तो मैंने पूजा और शादी के पर्पज़ से ले लिए ये, शादी में भी पहन सकती हूँ मैं इसको। आज थोड़ी ठंड कम लग रही है, गर्मी सी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। क्योंकि सुकून मिलता है मुझे ऐसा मौसम देख के, नहीं तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। एक तो गठिया बहुत तेज़ है मेरे को, ये पूरे जॉइंट जॉइंट दुखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं दवाई खा लेती हूँ, बने रहिए ब्लॉग में। लोग आए हैं मेले में, हमारे यहाँ का मेला है ये, और देखें बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। ये देखिए कितने बड़े एरिया में हैं, ये देखो कितना सुंदर सुंदर व्यू है। और ये देखिए यहाँ पर होता है सांस्कृतिक भवन। बेटा परेशान हो जाता है, बोलता है कि मम्मी को मेला मेला घूमना, बचपना नहीं गया मम्मी का। और वो है पॉइंट, ये देखो ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर लोग ले रहे हैं सेल्फी। ये देखिए ये क्या, आपको ऊपर देख, वो देख मछली घर, पैसा टिकट होगा वहाँ पर, है ना? लगा था हाँ मेले में ना, ये क्या